हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीवो Y17s, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल है और अभी ये एक हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ। इसमें आते हैं दो वेरिएंट और दो कलर। तो एक आपको ब्लैक कलर मिलता है, फॉरेस्ट ब्लैक, और एक पर्पल कलर मिलता है, ग्लिटर पर्पल कलर जिसको बोलते हैं। तो इनमें दो कलर और दो वेरिएंट है, एक 4/64 है और एक 4/128 GB में है, जिसमें काफ़ी सारी अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स और बैटरी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो हम अभी आपको फ़ोन ओपन करके दिखाते हैं, फर्स्ट टाइम पहले फर्स्ट लुक एंड अनबॉक्सिंग। तो ये अभी आप देख सकते हो, ये अपना ग्रीन कलर है जो कि फॉरेस्ट ग्रीन बोलते हैं, ब्लैक टाइप का दिखता है, मैट फिनिश में है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। और आपको ये जो साइड में आपको बजल्स दिख रहे हैं, ये कोई भी कैमरा बम नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रखे हैं इस पर, ओनली आपको सिर्फ शो ऑफ के लिए दे रखे हैं। काफ़ी अच्छी यूनिक डिज़ाइन देता है ये और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसमें बैक पैनल प्लास्टिक का है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। वाटर ड्रॉप डिस्प्ले इसमें आपको मिलती है, सिंगल स्पीकर मिलता है, और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh बैटरी मिलती है, और 18W का इसमें आपको एक फास्ट अडाप्टर मिलता है, जो कि इस रेंज में 18W कम है। अभी रियलमी वगैरह को अगर हम आप उठाकर देखेंगे 33W के चार्जर्स आ रहे हैं, पर ठीक है, वीवो है, वीवो में कुछ ऐसा या तो बिकता भी है, चाहे जैसा ये दे दें, इनका फ़ोन बिकना है क्योंकि इनकी डिज़ाइंस जो है बहुत ही यूनिक होती हैं। तो इसमें वीवो कभी कोई बीट नहीं कर सकता वीवो को, क्योंकि इनकी डिज़ाइन बिल्कुल ही यूनिक और न्यू होती है। जैसे कि आप वी सीरीज में उठा लीजिए, हर बार एक ना कुछ नया लेकर आते हैं। V15 में आपको पॉपअप कैमरा दिए, V20 में आपको ये कलर मैट कलर में दिया, V27, V25 में आपको कलर चेंजिंग दे दिया, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हर बार ये ले लेकर आते रहते हैं। तो इसलिए वीवो कोई डिज़ाइन के मामले में बीट नहीं कर सकती कोई भी ब्रांड, और ये बिकता है मार्केट में बिल्कुल झूम के बिकता है। तो अभी दोस्तों ये अपना वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसमें आपको 4GB रैम और 128GB वाला भी वेरिएंट आता है। तो अपना ये 4GB 64GB वाला ही है। तो इसमें बैटरी के बारे में हमने आपको बता ही दिया, चार्जर के बारे में भी बता दिया, सिंगल स्पीकर है आपको हमने ये भी बता दिया। इसकी डिस्प्ले की बात करते चले तो आपको मिलती है 6.56 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है, जो कि फुल HD नहीं है, HD+ है, पर फिर भी आपको काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी देगा। बैटरी बैकअप भी फ़ोन में काफ़ी अच्छा है, यूनिक डिज़ाइन है, पतला फ़ोन है बिल्कुल, बहुत ही मतलब हल्का बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही यूनिक फ़ोन बना रखे हैं। डिज़ाइन में मैट है, आपको पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल फ़ोन आने होने वाला है ये। तो अभी हम कैमरा की बात करते चलें तो कुछ चेंजिंग इन्होंने कर दिया है। वीवो Y16 जो कि ऊपर रखा हुआ है आप देख सकते हो बहुत सारा, तो Y16 से इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कैमरे में चेंजिंग कर दिया है। Y16 में आपको 13 MP का कैमरा मिलता था, इसमें आपको 50 MP एंड 2 MP और 8 MP का सेल्फी मिलता है, जो कि कैमरा में काफ़ी बड़ी चेंजिंग कर दी, जो कि 14,000 के रेंज में आप लेते थे तो आपको 50 MP का कैमरा मिलता था वीवो में। अभी इन्होंने समथिंग 11,500 के आसपास आपको 50 MP का कैमरा दे दिया है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, कम रेंज में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा मिलने वाला है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि महंगे ही फ़ोनों में इनके प्रोसेसर अच्छे आते थे, MediaTek G85 का प्रोसेसर है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा है गेमिंग वगैरह के लिए। बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा ये प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आपको देखने वाला है, बैटरी बहुत ही कम इसमें आपको उतरने वाली है, और बैटरी आपको 1 डे बैकअप चाहिए, जितना आप हैवी यूजिंग गेम वगैरह करेंगे आपको बेहतरीन बैटरी बैकअप 1 डे मिलने वाला है। इसमें बैटरी बैकअप में आपको कोई भी कमी आने वाली नहीं है। इस फ़ोन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक अडाप्टर मिलता है और एक डेटा केबल मिलती है टाइप सी वाली, तो बस इतना ही चीज़ें फ़ोन में है और कुछ भी नहीं है। एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा दिया है इन्होंने, पर बैक कवर इन्होंने नहीं दिया है, तो ये गलत बात है, बैक कवर देना चाहिए, सभी ब्रांड देती हैं रियलमी वगैरह रेडमी में, तो इसमें बैक कवर नहीं है। Y16 में भी नहीं आता, Y22 से आता है कवर, Y21 सीरीज में आता था, बट इसमें नहीं है, ना ही Y16 में था, ना ही Y17 में है। बात करते चले इसमें 3.5 mm जैक की, तो इसमें वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है गेमिंग वाले लोग भाई लोगों के लिए, जो कि नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा इशू होती है मार्केट में, टाइप सी ईयरफोन मिलने बहुत काफ़ी दिक्कत करता है, और चार्जिंग वगैरह साथ में नहीं कर सकते हम लोग एक साथ दोनों चीज़ें, तो काफ़ी दिक्कत होती है उसमें। तो फिर आपको इसका 3.5 mm जैक मिलने वाला है, बस एक ही कमी है, स्टूडियो स्टी पर स्पीकर दे देते आपको तो काफ़ी अच्छा हो जाता, सिंगल स्पीकर में मज़ा कम आता है, तो डबल स्पीकर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, सिंगल ही है चलिए इतने में काम चला सकते हैं, रेट भी बहुत कम है, 11,500 में क्या लेंगे आप। और एक और ज़बरदस्ती बात है, इसमें आपको डबल सिम और एक एसडी कार्ड के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप डबल सिम भी यू लगा सकते हैं और एक एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हम आपको इसके अडाप्टर और डेटा केबल का दीदार करा देते हैं। तो अडाप्टर आपको कुछ इस प्रकार मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं वही पुरानी स्टाइल में जैसे इनका था, इनका कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं इसमें, और केबल आपको टाइप सी मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आपकी 2-3 साल चल जाएगी, क्योंकि वीवो के फ़ोन लाइफ ज़्यादा होती है, सैमसंग के बाद वीवो का ही फ़ोन आता है जिसमें लाइफ लंबी होती है, 5-5 साल चल जाते हैं बिना रोए गए, तो हैंगिंग की इशू नहीं आती इसमें, फ़ोन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें,
फ़ोन बेहतरीन है, आप ले सकते हैं इस प्राइस रेंज में। काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये और बेहतरीन, बिल्कुल अच्छा प्रोसेसर आपको मिलने वाला है, बढ़िया सी बैटरी और सारी चीज़ अच्छी है आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।